जजमेंट डे के ग्रुप से एक मेंबर बाहर निकल सकता है। रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग जजमेंट डे के एक मेंबर को ग्रुप से बाहर किए जाने की संभावना पर रिसेंटली कुछ चर्चा हुई है। अधिकांश लोग इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये डिसीजन होता है तो ग्रुप की केमिस्ट्री पहले जैसे नहीं रह सकती है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जॉनी गार्गेनो और टमासो चैंपा के रीयूनियन को लेकर एक अपडेट सामने आया है। बुजर रासलिन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के हायर अप्स अभी भी जॉनी गार्गेनो और टमासो चैंपा के रीयूनियन का प्लान बना रहे हैं। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मैक्सिमम मेल मॉडल के मानसूर और मेस शायद रीपैकेजिंग से गुजर रहे हैं। फाइटफुल सिलेक्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा प्रतीत होता है कि मैक्सिमम मेल मॉडल के मानसूर और मेस रीपैकेजिंग से गुजर रहे हैं। विंस मैकमैन मैक्सिमम मेल मॉडल को पसंद करती है, हालांकि वो नहीं चाहती कि वो ज़्यादा ब्राइट हो। ट्रिपल एच के हाथ में जब कमान आई तो उन्होंने मैक्सिमम मेल मॉडल्स को इनकरेज किया। हालांकि विंस मैकमैन के दोबारा वापसी के बाद फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर उन्हें कम दिखाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच और विंस मैकमैन के बीच सहमति नहीं बनी। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग इस हफ्ते रॉक के एपिसोड के बीच में कुछ चेंजेस हुए। इसका कारण ये था कि सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का प्रोमो शेड्यूल के समय से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि फैंस ने सेथ रॉलिंस का एंट्री सॉन्ग गाकर लगातार इंटरफेयर किया था। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बैरन कॉर्बिन को पुश मिलने वाला है। डेव मेल्जर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैरन कॉर्बिन को पुश मिलने वाला है। उन पर कैमरन ग्राइम्स द्वारा हमला हुआ और वो सिर्फ एक मिनट में स्मैकडाउन में हार भी गए। आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें विंस मैकमैन बुक नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ट्रिपल एच बुक कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे बैरन कॉर्बिन को इस तरह की बुकिंग द्वारा ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग मेन्स के टैग टाइटल्स के डिज़ाइन के दो सेट पूरे हो चुके हैं। हालांकि कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या डिज़ाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए अलाउ किया है, और ये भी पता नहीं है कि कंपनी कब न्यू टाइटल को इंट्रोड्यूस करेगी। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक की ओर। रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड टाइटल रन को लेकर एक अपडेट सामने आया है। बुजर रासलिन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल रन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कंपनी उन्हें कैश काउ यानी जबरदस्त कमाई करने वाला की तरह देख रही है। तो इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते देखने के लिए धन्यवाद।